हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय स्टडी विला। दोस्तों, एजुकेशन एक पावरफुल टूल है और इसके ज़रिए इंडिविजुअल के लिए वर्ल्ड के दरवाजे खुल जाते हैं। टाइम के साथ इंडियन एजुकेशन में बदलाव आए, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय लॉर्ड मैकॉले एंड हिज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। MEG 10 का ये टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कम्प्लीट डिटेल। गाइज, बिफोर बिगनिंग, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि चैनल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें और आपकी एग्जाम की तैयारी कम समय में अच्छे से हो जाए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हाउ वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट डिबेट, मैकॉले's बिलीव्स एंड आइडियाज एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एंड फाइनली की पॉइंट्स ऑफ मैकॉले's मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। सो लेट्स बिगिन। गाइज, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम केम एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। ब्रिटिशर्स के आने से पहले और उनके द्वारा लाए गए नए एजुकेशन सिस्टम से पहले हमारे देश में अपना ही अलग एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पाठशाला, मकतब्स, मदरसाज में रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाया जाता था। हाउएवर, देयर वर नो स्कूल्स फॉर गर्ल्स। ब्रिटिशर्स के आने से पुराने सिस्टम को धक्का लगा ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। साथ ही ग्रांट्स की कमी पड़ने लगी, जो कि रूलर्स दिया करते थे। ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिया की नई एजुकेशनल पॉलिसीज बनने लगी। गाइस, वेस्टर्न एजुकेशन का ट्रेंड लाने वाले थे ब्रिटिशर्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोर्ट्स के लॉ ऑफिशियल्स क्रिएट करना चाहते थे। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज भी वेस्टर्न एजुकेशन का ट्रेंड लाए, जो कि ये बिलीव करते थे कि क्रिश्चियन एजुकेशन से इंडिया को सुधारा जा सकता है, और उनकी रिलीजियस जील टू कन्वर्ट पीपल टू क्रिश्चियनिटी ये भी एक वजह थी दैट दे स्टार्टेड ट्रेनिंग इंडियंस इन देयर ओन वे। दोस्तों, उन्हें इंडियंस की बंगाली इंटेलेक्चुअल क्लास से काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा। भारत में वेस्टर्न एजुकेशन शुरू करने के कई कारणों में से एक कारण ये भी था कि कॉलोनी में ऐसे मीडिएटर क्लास क्रिएट की जाए जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम करे। ज्यों ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनियल रूल स्टार्ट किया, वे एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे लोगों में विरोध की भावना उत्पन्न होगी। मगर कुछ विवादों के चलते ब्रिटिशर्स को अपनी न्यूट्रल पॉलिसी छोड़नी पड़ी। दरअसल, कंपनी रूल के इनिशियल स्टेज में ऑफिशियल्स ने एग्जिस्टिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन को सपोर्ट किया, जिसका एविडेंस है ओपनिंग ऑफ कैलकटा मद्रसा बाय वॉरन हेस्टिंग एंड बनारस संस्कृत कॉलेज बाय जोनाथन डेनकन। देयर अकर टू मेजर थॉट सिस्टम्स ऑन एजुकेशन इन इंडिया। वन, ओरिएंटलिस्ट, वे ईस्टर्न कल्चर को प्रमोट करते थे। वहीं ओरिएंटलिस्ट को काउंटर कर रहे थे एंग्लिसिस्ट, जो कि क्रिश्चियन आइडियाज़ की सुपीरियोरिटी में बिलीव करते थे। टू ग्रेट एंग्लिसिस्ट वर चार्ल्स ग्रांट एंड मैकॉले, हु एम्फसाइज्ड ऑन वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। जानते हैं लॉर्ड मैकॉले के बारे में। इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1800 में। ये इंडिया में 1834 में आए और यहाँ आकर इन्होंने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन दिया। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सजेस्ट किया टू रिफॉर्म इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन ऑन यूटिलिटेरियन लाइंस, यानी यूजफुल नॉलेज। इन्होंने ट्रेडिशनल सिस्टम को बदलने की शुरुआत की। मैकॉले एक एंग्लिसिस्ट थे। वे मानते थे इंडियंस बैकवर्ड हैं और उन्हें इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू मॉडर्नाइज किया जा सकता है, पर सभी को एजुकेट करना मुश्किल होता और एक्सपेंसिव भी। तो मैकॉले गेव डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, दैट कुछ ही अपर क्लास के लोगों को एजुकेट किया जाए एंड दैट एजुकेशन वुड पास ऑन टू मासेस। वे मानते थे ईस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करके ओरिएंटलिस्ट स्टूडेंट्स को ब्राइब कर रहे हैं फॉर यूजलेस लर्निंग। उनके हिसाब से लोगों को खुद चॉइस करनी चाहिए बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। मैकॉले ने फेमस मिनट प्रेजेंट किया ऑन 2 फरवरी 1835 ऑन इंडियन एजुकेशन, एंड ही एंडेड दिस डिबेट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। मैकॉले चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू एक ऐसी इंडियन क्लास क्रिएट की जाए विच इज इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। इन्होंने अरबिक और पर्शियन लर्निंग को रिजेक्ट करते हुए इंग्लिश एजुकेशन को सुपीरियर बताया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन्हें इनके मशवरे पर मिनट को अप्रूव कर दिया और इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन का नया चैप्टर शुरू हुआ। मैकॉले के मिनट के हिसाब से इंडियन कल्चर को सब्स्टिट्यूट किया जाए विद वेस्टर्न कल्चर इन एजुकेशन। इनफैक्ट, उनके हिसाब से तो होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया वॉज वर्थ अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी। ये संस्कृत लर्निंग को बेकार और यूजलेस बताते थे।
After this minute, the great object of government was promotion of European literature and science. यानी यूरोपियन लिटरेचर को बढ़ावा देना और एंड ऑल फंड्स विल बी यूज्ड इन प्रमोशन ऑफ इंग्लिश. इसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया एंड बाय 1837 पर्शियन को हटाकर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया. इंग्लिश एजुकेशन एंड साइंस को प्रमोट करने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खोले गए जैसे कैलकटा मेडिकल कॉलेज एंड हुगली कॉलेज. मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में कुछ पॉइंट्स दिए जैसे इंग्लिश एजुकेशन इज की टू मॉडर्न एजुकेशन दैन संस्कृत और अरेबिक. इससे इंडिया में रिवाइवल या रेनेसांस होगा. वे सोचते थे कि इंडियंस भी गुड इंग्लिश स्कॉलर्स बन सकते हैं और वे चाहते भी हैं टू लर्न इंग्लिश दैन संस्कृत और अरेबिक. देखते हैं इस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट रहा. जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था टू मीट कॉलोनियल रिक्वायरमेंट, उसकी प्रोग्रेस स्लो पेस्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड थी. न्यू गवर्नमेंट ओनली अर्बन एलीट्स को पढ़ा रही थी और मासेस को निगलेक्ट कर रही थी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वॉज ऑल्सो डिफेक्टिव. इस पॉलिटिकल मूव की वजह से इंग्लिश को स्टेटस सिंबल मिला इन इंडिया. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमें आपके वैल्यूएबल कमेंट्स से फीडबैक दें ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए बेहतर वीडियोस ला सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू.